let's start with GG. The prerequisite of this video is not this video actually. Learn English. If we want to learn English, the prerequisite is, यानी पहली शर्त ये है कि आप डिक्शनरी यूज नहीं करेंगे. बिकॉज वेन वी यूज डिक्शनरी द वर्ड मेक सो मैनी सेंसेस. यदि हम किसी एक डिक्शनरी यूज करते हैं तो एक ही वर्ड के कई सारे सेंस निकलते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ का कुछ यूज करते हैं और हम कभी सीख नहीं पाते हैं. सो आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमें कितनी चीजें समझ आई और यदि डिक्शनरी लेके बैठते तो क्या होता. तो चलिए आज हम विदाउट डिक्शनरी पढ़ते हैं. द वेदर वॉज फाइन एंड द ब्राइट ब्लू सी अपीयर्ड काम. इतना समझ में आ रहा होगा, सेंटेंस पूरा पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा होता है कि वेदर यानी कि मौसम अच्छा था और जो समुद्र था नीला सा वो एकदम शांत दिखाई दे रहा था. रॉबिन रोड द बोट. अब यहाँ ये सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है, रोड द बोट लिखा हुआ है ना. एंड इट ग्लाइडेड फॉरवर्ड इजिली. यानी कि रॉबिन क्या कर रहा है, बोट को चला रहा है ना, और वो जो बोट है वो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ आसानी से जा रही है. ग्लाइडेड मतलब हमें इसका मीनिंग नहीं पता. एक्चुअली मैंने पता है लेकिन सबको नहीं पता रहता है. कुछ ऐसे वर्ड मैंने यहाँ अंडरलाइन किए हैं, आपको दिख रहा होगा, जिनका मीनिंग हमको नहीं पता है. लेकिन यदि हम इनका मीनिंग डिक्शनरी में खोजने बैठेंगे तो एक तो टाइम बहुत लग जाएगा, दूसरी बात कई बार क्या होता है, मैंने एक देखा था एक चेतन भगत की बुक में, अगर आपने पढ़ी हो तो, रिवॉल्यूशन 2020 ऐसा था. एक केक काटने के लिए रूलर का यूज करते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, शासक. रूलर भी शासक भी होता है और रूलर जो हम स्केल को भी बोलते हैं, ठीक है. तो वहां थी स्केल वाली रूलर, लेकिन किसी ने जिसने उसने पढ़ा होगा वहां पे लिख दिया था शासक. तो इसी तरह से यदि हम डिक्शनरी देखेंगे तो सही सेंस नहीं निकाल पाएंगे. कई बार पता नहीं क्या समझ ही नहीं आएगा जब हमको सेंटेंस, तो कैसे निकालेंगे. इसलिए डिक्शनरी यूज ना करते हुए पहले हमें सेंटेंस पढ़ के अनुमान लगाना चाहिए. धीरे 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 हम समझते जाएंगे, ठीक है. ही लव्ड द साउंड ऑफ सी वेव्स लैशिंग जेंटली एंड सॉ सीगल्स एट अ डिस्टेंस. यानी कि उसको क्या था, जो सी वेव्स थी उसका साउंड बहुत अच्छा लगता था. वो लैशिंग मतलब एक तरह से होता है, मथना होता है, एक दूसरे जब लहरें टकराती हैं तो लैशिंग कहते हैं उसे. लेकिन यहाँ हमें खुद ही समझ में आ रहा होगा कि लहरें टकरा रही हूँ तो उसी को लैशिंग बोला जा रहा है, सेंस समझ में आ रहा है. और थोड़ी ही दूर पर एक सीगल, कुछ सीगल्स थे. अ सेंस ऑफ फ्रीडम प्रिवेल्ड व्हेनेवर ही वाज आउट फिशिंग. ये सेंटेंस पढ़ के जितना समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश कीजिए. उसके बाद फिर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको हिंदी भी बताऊंगी और कैसे पढ़ना है वो तो मैं अभी बता ही रही हूँ. डिक्शनरी यूज मत कीजिए जहां तक हो सके. बट सून द वेदर चेंज एंड अ फियर्स स्टॉर्म रेज फॉर आवर्स. और हाँ, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको सिर्फ इंग्लिश सुननी है, पढ़नी है, बोलनी है, वीडियो देखना है, गाना जो भी करना है इंग्लिश में करना है. तो आप सुनेंगे मेरा कितना मतलब, एक दूसरे से फिर समझ में आने लगेंगे कि एक ही वर्ड को आप जैसे दूसरी जगह सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा. फिर आप मिलाने लगेंगे, जोड़ने लगेंगे चीजों को एक दूसरे से और आपको समझ में आने लगेगी इंग्लिश. फियर्स स्टॉर्म रेस्ट फॉर आवर्स. इट अपियर दैट द स्काई हाई सी वेव्स वुड फॉलो हिज बोट. ही स्ट्रगल्ड हार्ड बट गेव अप एंड फेल अनकॉन्शियस. तो क्या होता है, व्हेन रॉबिन वोक अप देयर वर प्लैंक्स ऑफ वुड ऑल अराउंड हिम एंड दैट वॉज ऑल दैट रिमेंड ऑफ द बोट. ही वॉज मरूंड ऑन द On an unknown, far away island, he cried and sat all alone. He thought about his family
एंड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लोनलीनेस मेड हिम सैड. ऑल दैट ही कुड सी वॉज थिक वेजिटेशन, कोकोनट ट्रीज एंड रॉक्स. ही सर्वाइव्ड ऑन वाइल्ड फ्रूट्स, berries and coconut water for 2 days without a soul in sight. Probably the island was uninhabited. On the third day he was shocked to see a man step out from behind the bushes holding a spear. He had pieces of leather wrapped around him. To Robin's surprise he smiled, held his hand and led him to a cluster of huts. Cluster जहाँ झोपड़ियों को झुंडों को कहते हैं cluster. There were many others like him. Their faces were painted with colors and they treated him well. Years passed by and Robin became one with them. He also discovered many a rare house and medicinal plants that grew on the island. One day, the deafening noise of a helicopter woke him up. There were explorers in it who were conducting a survey on the tribals. They said to Robin, "You don't belong to this place. Come along with us." But he firmly replied, "My life has changed forever. This is a life of bliss. I will never leave the pristine beauty of this place to go back to a concrete jungle. Goodbye, friends." Soon they were gone. So tell me what you learned from this story and how much you able to understood. Please comment and ask me anything. I will help you. Okay, thank you so much. We will meet in next video.